Headlines have been sponsored by SP Smart School, the leader in innovative schooling. जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक ने पुलवामा में आतंकी हमले के बाद उत्पन्न कानून व्यवस्था पर सख्त रवैया अख्तियार किया है। उन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा, आगजनी तथा अफवाह फैलाने में शामिल लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे लोग चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी या धर्म से ताल्लुक रखते हों, उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से शांति तथा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। पुलवामा हमले के बाद उधमपुर में सामान्य हालत हो गए हैं। आज शहर के पूरे बाजार खुल गए। प्रशासन द्वारा सुरक्षा में कोई कमी नहीं देखी गई। साथ ही उधमपुर में सदगुरु रविदास जयंती के उपलक्ष में MH से एक शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। हमने दो तीन दिन से जब से ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद से सिक्योरिटी को टाइट रखा है और आज भी छुट्टी का दिन है, बाजार खुले हुए हैं तो उसको लेके कि लोग मतलब आराम से अपनी दिनचर्या पूरी करें, तो इसके लिए सिक्योरिटी पूरा टाइट। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने पुलवामा के हमले की घटना के बाद देश की परिस्थितियों के मद्देनजर प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि सभागृह यात्रा और शिलान्यास का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करने के बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद का राम जन्मभूमि शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित किया गया। कश्मीर में हुए पुलवामा हमले में शहीद हमारे वीर जवानों की याद में सनातन धर्म सभा जम्मू ने आज कैंडल मार्च निकालकर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी IS के साथ संपर्क रखने वाले कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को मिली सुरक्षा को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया है। इसमें शामिल हैं मीरवाइज उमर फारूक, प्रोफेसर गनी भट्ट, शबीर शाह, हाशिम कुरेशी और बिलाल लोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर पाकिस्तान को पुलवामा हमले का खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों पर हमले को लेकर देश में गुस्सा है और हर आंख नम है। जिन्होंने सब कुछ निछावर किया, हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं। ये संयम, संवेदनशीलता और शोक का समय है, लेकिन हर परिवार को मैं ये भरोसा देता हूँ कि हर आंसू का बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है, दुनिया ये देखेगी कि हमारे जवान बंदूक चलाने वाले, बंदूक पकड़ने वाले, बंदूक दागने वाले और देने वाले किसी को भी चैन से सोने नहीं देंगे। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने के बाद भारत ने पाकिस्तान से आयात होने वाली वस्तुओं पर 200% सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से MFN का दर्जा छीना था। साथ ही भारत जल्द ही आतंकी गतिविधियों की वित्तीय नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को पाक के खिलाफ डोजियर सौंपेगा। इसमें पुलवामा आतंकी हमले को लेकर सबूत दिए जाएंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी ने शनिवार को होने वाले सभी तरह की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता विनय थुसु ने बताया कि कर्फ्यू और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने 17 और 18 फरवरी को होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। एग्जाम्स की नई डेट्स घोषणा के बाद की जाएगी। इसके अलावा सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रहे। जिला उपायुक्त जम्मू रमेश कुमार ने लोगों से शांति बनाए रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। लोगों से अपील की कि वो प्रशासन का सहयोग करें। हालात सामान्य होने पर ही कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। दिन से जो आप देख रहे हैं जम्मू में जो हालात बने हुए थे वो अब पूरी सिचुएशन कंट्रोल में है। प्रिकॉशनरी मेजर्स की वजह से जो कर्फ्यू लगा हुआ था आज भी कर्फ्यू जो है कंटिन्यू रहेगा। लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बाहर ना आए,
और किसी भी तरीके से रूमर पे विश्वास ना करें। कल भी कुछ लोगों ने जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन्होंने रूमर्स फैलाने की कोशिश की सोशल मीडिया वगैरह पे, उसको वापस पुलिस की तरफ से सबकी तरफ से रिबटल किया गया, इस तरीके से कोई घटना नहीं थी। तो रूमर्स पे या किसी पे भी विश्वास ना करें, जो रूमर्स फैलाएगा उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज इवनिंग तक कर्फ्यू कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद में सिचुएशन असेस करने के बाद में डिसाइड किया जाएगा क्या किया जाएगा। लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों में रहें और एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को कोऑपरेट करें सिचुएशन को कंट्रोल करने। कश्मीर घाटी के पुलवामा आतंकी हमले के विरोध में जम्मू शहर में शुक्रवार को कर्फ्यू के बावजूद हंगामा जारी रहा। जम्मू में हमले के विरोध में रैली निकाली गई और नारे लगाए गए। भारतीय सेना जिंदाबाद और आतंकियों के खिलाफ नारे लगे। इसे देखते हुए गवर्नमेंट क्वार्टर्स से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे और वहां से पथराव शुरू हो गया। उसके बाद पुलिस और सेना ने इलाके को घेर लिया। हालात अभी काबू में है पर स्थिति तनावपूर्ण है। पिछले तकरीबन एक महीने से ज्यादा हड़ताल और भूख हड़ताल पर रहे एनएचएम कर्मचारियों पर प्रशासन का चाबुक चला है। ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे 61 एनएचएम कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन सभी कर्मचारियों को नोटिस देकर ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया था। राज्य में गत 14 जनवरी से एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर थे। कश्मीर घाटी में आतंकी वारदातों को अंजाम देने पर कश्मीर के लोकल सपोर्ट का सबसे बड़ा हाथ है। इन हाथों को अब काटने के लिए सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह एक्शन के मूड में हैं। दक्षिण कश्मीर में आतंकी संगठनों के लिए काम करने वाले युवकों से लेकर महिलाओं तक की कुंडली खंगाली जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की खुफिया विंग के सीनियर ऑफिसर्स की टीम इस काम पर लग गई है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक ने पुलवामा में आतंकी हमले के बाद उत्पन्न कानून व्यवस्था पर सख्त रवैया अख्तियार किया है। उन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा, आगजनी तथा अफवाह फैलाने में शामिल लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे लोग चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी या धर्म से ताल्लुक रखते हों, उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से शांति तथा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। पुलवामा हमले के बाद उधमपुर में सामान्य हालत हो गए हैं। आज शहर के पूरे बाजार खुल गए। प्रशासन द्वारा सुरक्षा में कोई कमी नहीं देखी गई। साथ ही उधमपुर में सदगुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में एमएच से एक शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। हमने दो तीन दिन से जब से ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद से सिक्योरिटी को टाइट रखा है और आज भी छुट्टी का दिन है, बाजार खुले हुए हैं तो उसको लेके कि लोग आराम से अपनी दिनचर्या पूरी करें, तो इसके लिए सिक्योरिटी पूरा टाइट। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने पुलवामा के हमले की घटना के बाद देश की परिस्थितियों के मद्देनजर प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि सभागृह यात्रा और शिलान्यास का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करने के बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद का राम जन्मभूमि शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित किया गया। कश्मीर में हुए पुलवामा हमले में शहीद हमारे वीर जवानों की याद में सनातन धर्म सभा जम्मू ने आज कैंडल मार्च निकालकर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएस के साथ संपर्क रखने वाले कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को मिली सुरक्षा को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया है। इसमें शामिल है मीरवाइज उमर फारूक, प्रोफेसर गनी भट्ट, शबीर शाह, हाशिम कुरेशी और बिलाल लोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर पाकिस्तान को पुलवामा हमले का खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों पर हमले को लेकर देश में गुस्सा है और हर आंख नम है। जिन्होंने सब कुछ निछावर किया, हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं। ये संयम, संवेदनशीलता और शोक का समय है, लेकिन हर परिवार को मैं ये भरोसा देता हूँ कि हर आंसू का बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है,
दुनिया ये देखेगी कि हमारे जवान बंदूक चलाने वाले, बंदूक पकड़ने वाले, बंदूक दागने वाले और देने वाले किसी को भी चैन से सोने नहीं देंगे। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने के बाद भारत ने पाकिस्तान से आयात होने वाली वस्तुओं पर 200% सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से MFN का दर्जा छीना था। साथ ही भारत जल्द ही आतंकी गतिविधियों की वित्तीय नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को पाक के खिलाफ डोजियर सौंपेगा। इसमें पुलवामा आतंकी हमले को लेकर सबूत दिए जाएंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी ने शनिवार को होने वाले सभी तरह की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता विनय थुसू ने बताया कि कर्फ्यू और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने 17 और 18 फरवरी को होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। एग्जाम्स की नई डेट्स घोषणा के बाद की जाएगी। इसके अलावा सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रहे। जिला उपायुक्त जम्मू रमेश कुमार ने लोगों से शांति बनाए रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। लोगों से अपील की कि वो प्रशासन का सहयोग करें। हालात सामान्य होने पर ही कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। दिन से जो आप देख रहे हैं जम्मू में जो हालात बने हुए थे वो अब पूरी सिचुएशन कंट्रोल में है। प्रिकॉशनरी मेजर्स की वजह से जो कर्फ्यू लगा हुआ था आज भी कर्फ्यू जो है कंटिन्यू रहेगा। लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बाहर ना आए और किसी भी तरीके से रूमर पे विश्वास ना करें। कल भी कुछ लोगों ने जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन्होंने रूमर्स फैलाने की कोशिश की सोशल मीडिया वगैरह पे, उसको वापस पुलिस की तरफ से सबकी तरफ से रिबटल किया गया। इस तरीके से कोई घटना नहीं थी, तो रूमर्स पे या किसी पे भी विश्वास ना करें। जो रूमर्स फैलाएगा उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज इवनिंग तक कर्फ्यू कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद में सिचुएशन असेस करने के बाद में डिसाइड किया जाएगा क्या किया जाएगा। लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों में रहें और एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सिक्योरिटी एजेंसीज को कोऑपरेट करें सिचुएशन को कंट्रोल करें। कश्मीर घाटी के पुलवामा आतंकी हमले के विरोध में जम्मू शहर में शुक्रवार को कर्फ्यू के बावजूद हंगामा जारी रहा। जम्मू में हमले के विरोध में रैली निकाली गई और नारे लगाए गए। भारतीय सेना जिंदाबाद और आतंकियों के खिलाफ नारे लगे। इसे देखते हुए गवर्नमेंट क्वार्टर्स से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे और वहां से पथराव शुरू हो गया। उसके बाद पुलिस और सेना ने इलाके को घेर लिया। हालात अभी काबू में है पर स्थिति तनावपूर्ण है। पिछले तकरीबन एक महीने से ज्यादा हड़ताल और भूख हड़ताल पर रहे NHM कर्मचारियों पर प्रशासन का चाबुक चला है। ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे 61 NHM कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन सभी कर्मचारियों को नोटिस देकर ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया था। राज्य में गत 14 जनवरी से NHM कर्मचारी हड़ताल पर थे। कश्मीर घाटी में आतंकी वारदातों को अंजाम देने पर कश्मीर के लोकल सपोर्ट का सबसे बड़ा हाथ है। इन हाथों को अब काटने के लिए सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह एक्शन के मूड में हैं। दक्षिण कश्मीर में आतंकी संगठनों के लिए काम करने वाले युवकों से लेकर महिलाओं तक की कुंडली खंगाली जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की खुफिया विंग के सीनियर ऑफिसर्स की टीम इस काम पर लग गई है।